भगवान का स्वरूप होता है जावन बिहारी, जाओ बिहारी।
जाओ बिहारी जाओ बिहारी आगे है, लेकिन मतलब भगवान का नाम इस गांव में होता है चाओ बिहारी, क्योंकि भगवान राधा रानी के रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं मेरे पीछे, आप बोलिए श्लोक। तवई वास्मी 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 ना जीवंती त्वया विना ना जीवंती त्वया विना ना जीवंती त्वया विना ना जीवंती त्वया विना इति विज्ञायते विद्वं नयमां चरणान्तिकम् नयमां चरणान्तिकम् नयमां चरणान्तिकम् नयमां चरणान्तिकम् वत्पादाब्जमिलल्लक्ष वत्पादाब्जमिलल्लक्ष एष जयति विजीवतः भगवान कृष्ण जी राधा की एक्चुअली ये नित्य लीला का धाम है जावत। हर दिन शाम को लगभग 5:30-6 बजे भगवान गायों को चरा के नंदगांव वापस जाते हैं, तो रास्ते में क्या आता है तो भगवान इधर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राधा रानी तो शादीशुदा है, राधा रानी अभिमन्यु के साथ रहती है, तो भगवान बाहर खड़े रहकर राधा को पुकारते हैं। कभी कभी श्रीराम और राधा वेश बदल करते हैं, सुबल सुबल और राधा वेश बदल के सुबल अंदर रह जाते हैं और राधा कृष्ण को मिलने के लिए सुबल बिल्कुल राधा के जैसा है। सो हियर दिस इज द प्लेस ऑफ द इटर्नल पास्ट टाइम्स ऑफ राधा एंड कृष्ण। राधा रानी इज नॉट स्टेइंग इन बरसाना, राधा रानी इज नॉट स्टेइंग इन रावल, राधा रानी इज नॉट स्टेइंग, राधा रानी स्टेज हियर 24 आवर्स। ये गोलोक ब्रज धाम में यहाँ बहुत सुंदर महल है और इस महल के अंदर एक अंदरूनी रूम है जो राधा राधा रानी का रूम है। हजारों गोपियां दासियां राधा रानी की सेवा करती हैं जावत में, जो हमारे परंपरा के सब मंजरियां हैं, रूपी मंजरी, लवंग मंजरी, रति मंजरी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सब मंजरियां जावत के आजू बाजू में रहती हैं। कस्तूरी मंजरी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो यहाँ रसोई बना के हर दिन नंद गाँव में राधा रानी यहाँ कुकिंग करती हैं शाम को और कृष्ण के लिए नंद गाँव में भेजती है। एवरी डे राधा रानी इज कुकिंग हियर इन द इवनिंग एंड द फूड इज गोइंग टू कृष्णा इन नंद गाँव। इन द मॉर्निंग यशोदा इज सेंडिंग कुंडलता सखी टू ब्रिंग राधा रानी टू नंद गाँव। मॉर्निंग का जो कुकिंग है वो राधा रानी नंदगांव में करती है, नंद भवन में, लेकिन शाम को राधा रानी नंद भवन में नहीं जाती है, वो जावत में ही रसोई घर के यहाँ से अच्छे अच्छे व्यंजन सोने के मटके में सिल्क के कपड़ा में रख के सब मंजरियाँ गोपियाँ राधा रानी का व्यंजन यहाँ से ले जाती है। तो दैट वे एवरी डे इवनिंग राधा रानी इज वेटिंग। जब भगवान गायों को चरा के आते हैं तो राधा रानी छत के ऊपर चली जाती है और गोधूली के टाइम कृष्ण का दर्शन करती है। सबसे सुंदर लीला है नित्य लीला में गोधूली। बोलो गोधूली लीला की जय, राधा रानी की जय, कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सो एवरी डे इवनिंग व्हेन कृष्णा इज कमिंग टू ग्रेजिंग द काउस एट दैट टाइम राधा रानी गोज ऑन द टॉप ऑफ द टेरेस and for looking at Krishna from very far, Radha Rani exhibits all Mahabhav. Mahabhav is Swarupini Radha Thakura. Her whole body becomes covered with alankar, vibhava, buddhipan, alambana, sattvik, ashtasattvik, vikar, all kinds of ecstasies manifest from her body. Unki sharir mein sab bhav paida ho jata hai chatra. Krishna ko dhoor se dekhne se, wo gojhuli ki leela se, और भगवान भी थोड़े विचलित हो जाते हैं। राधा को दूर से देखते हैं जावत में से गोपाल, जो भगवान का नाम है गोपाल, बिकॉज राधा कृष्ण इज गिविंग हैप्पीनेस, आनंद देता है। राधा की इंद्रियों को जो पालन करता है उसको कहते हैं गोपाल, सबसे ऊंचा हुएवर प्लीजेस द सेंसेस ऑफ राधा। तो अभी मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ,
ये राधा तो भगवान की लादिनी शक्ति है, भगवान से निकला एक एक प्राण दो ही तनु, एक ही प्राण है दो तनु। तो राधा रानी दूसरे पति से शादी क्यों करती है? राधा इज द लादिनी शक्ति ऑफ कृष्णा, कृष्ण से प्रकट होती है कृष्ण को आनंद देने के लिए, कृष्ण की सम्मित शक्ति है, कृष्ण स्वयं ही सम्मित है, मतलब ज्ञान के भंडार है, कृष्ण की संदिनी शक्ति है बलराम, जो नित्य 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 शाश्वत है, और अंत में लादिनी, तीन शक्तियां हैं भगवान की, लादिनी है राधा, तो लादिनी शक्ति अगर भगवान की है तो भगवान को उसके असली पति है, राधा के जीवन प्राण है, तो राधा रानी ने अभिमन्यु को पति के रूप में क्यों स्वीकार किया? कृष्णा इंपोर्टेंसी राधा, वाइज राधा मैरिड, कैन एनीबॉडी आंसर? जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार परकिया भावे जहा ब्रज के सुखते परकिया भाव। जो द्वारका में कृष्ण रुक्मिणी के साथ रहता है तो इतना भाव नहीं, जब मिलन 24 दिन तक मिलन होता है तो उसमें इतना आनंद नहीं आता है, बोर हो जाते हैं, भगवान की लीला में तो कोई बोर नहीं होता है, लेकिन वो आनंद कम हो जाता है, लेकिन जब थोड़ा सा बिछड़ना हो जाता है वियोग, तो वापस मिलन का आनंद ज्यादा हो जाता है। तो इफ यू सेपरेटेड फ्रॉम कृष्णा देन बाय मीटिंग कृष्णा यू बिकम मोर हैप्पी, दैट इज द रस परकिया भाव, वेरी 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 पेक्यूलियर that the supreme personality of Godhead is dancing with other people's wives. अच्छा कि परम पुरुष भगवान भी ने अपने शक्तियों को दूसरे से शादी करा दिया, लेकिन actually जब ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी सब गोपालकों को लेके गए थे, उसी साल कृष्ण का शादी हुआ सब गोपियों से, तो उसी साल में सब गोपालक तो कृष्ण ही थे। In that one year when Brahma took all the coward boys to Brahmaloka, at that time he Krishna expanded as all the coward boys and Krishna got married to, Krishna ne bola isi saal Nanda Maharaj ko sabse shaadi karenge, kyunki sab gopalak nahi ho to mere sath hi shaadi hoga, actually Krishna ne par striyon ke sath nitya nahi kiya hai, wo sab unki patniyan hai, kyunki jis saal shaadi hua us saal sab gopalak Krishna hi the. That day when Krishna took birth, next, so that is why, but Radha Rani is very special, she is Ladini Shakti, and Parkiya Bhav, Radha ka prem bad jata hai Parkiya Bhav se, ki Abhimanyu ka ghar hai, Radha ke husband ka, aur unki Abhimanyu ki maa ka kya naam hai? कृष्ण को रोकती है, अभी जैसे जब भी राधा बाहर जाती है कुटिला उसको बहुत मतलब डांटती है, आज कृष्ण को मत मिलना, तुम्हारी पतिव्रता नष्ट हो जाएगी, ये सांवला रंग का बालक क्या सब स्त्रियों की पतिव्रता को नष्ट करने के लिए आया हुआ है। तो कुटिला इज जटिला इज ट्राइंग टू ऑलवेज, कभी कभी समाचार आता है कि एक निकुंज में कृष्ण बैठे हैं राधा के साथ, कुटिला जटिला अपनी माँ को लेके भागती, चलो आज कृष्ण को हाथ सामने पकड़ लेंगे, तो रेड हैंडेड आई विल कैच कृष्ण रेड हैंडेड। तो इसीलिए ये सब ये लीला क्यों कराते हैं भगवान, क्योंकि उससे राधा और कृष्ण का प्रेम और बढ़ जाता है, जब कोई वस्तु में बाधा आती है तो हम वो वस्तु और करना चाहते हैं कि नहीं, आपको कोई दे देगा ये और तो आसान है, उन्होंने वो चीज लेना बहुत कठिन है, तो आप तुरंत भागेंगे। इफ यू समथिंग इज गिवन इजीली देन इट इज वेरी सो मैजिक, बट राधा इज गेटिंग कृष्णा एसोसिएशन आफ्टर वेरी डिफिकल्ट, शी हैज टू क्रॉस द माउंटेन ऑफ जटिला
And then she has to cross the mountain of Kutila. And then Abhimanyu will come. So Abhimanyu will be telling Radha, tum Krishna ka sang karogi, to main tumko Kansa ke hawale kar dunga. I will take you to Kansa. So that is the leela is happening. And Radha, lekin Bhagwan Krishna itne shaktishali hai, ki Jatila aur Kutila ke hote huye idhar, Bhagwan Krishna Gopi ka swarup leke andar ghus jate hain. भगवान को कोई शर्म नहीं है, कोई लज्जा नहीं है. He is Rasika Shekhar. The Lord has no embarrassment. The Lord takes the form of a gopi. And comes her every day morning. Here there is Shringar, Radha ka Shringar hota hai. सुबह 7:30-8 बजे जावत में. Then before Radha Rani goes to Nandagaon for cooking. एवरी डे बड़ा आईना लेते हैं सखियां और राधा के सामने रखते हैं. तो श्रृंगार करने के बाद राधा जी अपने सौंदर्य को देखते हैं कि आई एम राइट और राइट फॉर कृष्णा whether everything is correct or not. तो आईने राधा के सामने रखा जाता है. तो कभी कभी कृष्ण चुप के लिए आ जाते हैं. कभी कभी कृष्ण एक गोपी का वेश लेते हैं. कभी ज्योतिष राधा का हाथ देखने के लिए ज्योतिष चुन जा रहे हैं. मनियारी का वेश बनाया है. चूड़ी का चूड़ियां कई कसान है. चूड़ी को अलग अलग स्वरूप में कृष्ण राधा का संग लेना चाहते हैं क्योंकि वो दुर्लभता से मिलता है. तो कृष्ण का प्रेम बढ़ जाता है और बरकिया भाव में आता है. माधनाख्य महाभाव माधनाख्य अभिरुद्ध महाभाव स्वकीय में रुक्मिणी को महाभाव अभिरुद्ध महाभाव नहीं हो सकता क्योंकि उसमें विच्छेद नहीं होता है. लेकिन ये विच्छेद के कारण एक्चुअली लेकिन अभिमन्यु कभी राधा के शरीर को स्पर्श नहीं. कृष्णा इज स्टेइंग विद राधा इज स्टेइंग विद अभिमन्यु हियर बट अभिमन्यु नेवर टचेस द बॉडी ऑफ राधा. राधा का अंग का संग केवल कृष्ण के लिए. और राधा जी अलग सोती है. राधा जी का पूरा कमरा अलग होता है. अभिमन्यु सुबह के होता है उठ के वो चला जाता है गायों को चराने के लिए. उसके अलग सेवा होती है. वो राधा की वो खाली एक डमी हस्बैंड है. एक पति है कृष्ण की लीलाओं को बढ़ाने के लिए. एक पति स्वीकार किया है ताकि परकिया भाव और बढ़ सके. तो परकिया भाव कोई कोई आचार्य कहते हैं ये स्वकीय भाव है. जीव गोस्वामी कहते हैं क्योंकि राधा का भंडीर वन में शादी हुआ. राधा गॉट मैरिड विद कृष्ण इन भंडीर वन. एक्सक्यूज मी राधा रानी का हस्बैंड का नेम आई एम बॉस नॉट अभिमन्यु. राधा कृष्ण गणों की स्थिति का जो कवि कर्णपुर ने लिखा है उसमें अभिमन्यु का नाम है. अभिमन्यु और उसके पिताजी का नाम है गोवर्धन गोप चंद्रसेन गोप. दूसरा नाम है और ये भी कृष्ण की ही छाया है अभिमन्यु. दूसरी बात यह है कि राधा कृष्ण तो एक ही अलग नहीं थे परंतु जब संसार में प्रभु पधारते हैं तो ये सांसारिक लीला को तो दिखाते. जब राधा कृष्ण की विवाह की तैयारी तो पूर्णमासी जो थी प्रोतानी उसने ये कहा था यदि राधा कृष्ण का पृथक में शादी होगी तो भाव बढ़ जाएगा. इसलिए जापट में एक अभिमन्यु आयन घोष नाम का है. बोलो जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे. बोलो गोधूली लीला की जय धाम की.